ये कहानी है प्रतापगढ़ गांव की। डॉक्टर आर्यन का एक प्राइवेट क्लिनिक था। उस क्लिनिक में शालिनी नाम की नर्स काम करती थी। आर्यन और शालिनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन आर्यन पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम था मीनाक्षी, जो गांव में पली बड़ी थी। दहेज के लालच में आकर आर्यन ने मीनाक्षी से शादी तो कर ली थी, लेकिन वो मीनाक्षी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो अक्सर शराब के नशे में मीनाक्षी को मारता पीटता था, लेकिन मीनाक्षी को यकीन था कि एक न एक दिन आर्यन उसे जरूर अपना लेगा। इसलिए मीनाक्षी आर्यन के हर जुल्म को सहती थी। आर्यन के माता पिता को भी मीनाक्षी की बेबसी देखकर बहुत दुख होता था, लेकिन वो करते भी क्या, क्योंकि आर्यन अपनी मर्जी का मालिक था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन आर्यन घर नहीं लौटा था। उसके माँ बाबूजी उसकी चिंता करने लगे। हे भगवान, इतनी रात हो गई लेकिन आर्यन अभी तक घर नहीं लौटा। लगता है बारिश में फंस गया होगा। मैं जरा देख कर आता हूँ। रुकिए बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, मैं उन्हें ले आती हूँ। लेकिन बिटिया, आर्यन का क्लिनिक तो बहुत दूर है, तुम कैसे जाओगी? माँ आप फिक्र ना कीजिए, वहाँ पहुँचने का एक छोटा सा रास्ता है, मैं वहाँ से चली जाऊंगी। नहीं बेटी, भूल कर भी उस रास्ते से मत गुजरना। उस रास्ते में भूत पिशाचों का डेरा है, जो भी वहाँ से जाता है जिंदा वापस नहीं लौटता। बाबूजी, ये सब तो अंधविश्वास की बातें हैं, मैं इन बातों में नहीं मानती। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, बस यूं गई यूं आई। ये कहकर मीनाक्षी छाता लेकर आर्यन के क्लिनिक की तरफ निकल गई। तेज बारिश और आंधी के बीच से निकलती हुई मीनाक्षी अपने रास्ते बढ़ रही थी कि तभी उसने देखा कि उससे थोड़ी दूर आंधी तूफान के बीच काला कोट पहने कोई आदमी खड़ा है। अंधेरे के कारण उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसे देखकर मीनाक्षी एक पल के लिए सहम गई। आखिर ये कौन है जो इतनी तूफान में भी एक ही जगह पर खड़ा हुआ है? मीनाक्षी के मन में सवाल उठा, पर मीनाक्षी को तो बस आर्यन तक पहुंचना था, इसलिए वो आगे बढ़ने लगी। वो अनजान आदमी सड़कों के बीचों बीच खड़ा था, इसलिए मीनाक्षी सड़क के किनारे से चलकर जाने लगी। जब मीनाक्षी उस आदमी से थोड़ी दूर निकल आई तो उसकी जान में जान आ गई, लेकिन मीनाक्षी के मन में अभी भी डर था कि कहीं वो उसका पीछा ना करने लगे, इसलिए वो उसे देखने के लिए पीछे मुड़ी। तभी उसने देखा कि उस आदमी के हाथ में एक धारदार तलवार है। मीनाक्षी उसे देख बहुत डर गई। तभी वो आदमी तेजी से मीनाक्षी की तरफ बढ़ा। मीनाक्षी को उसका भयानक शैतानी चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। फिर उस शैतान ने अपनी तलवार से मीनाक्षी पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अगली सुबह जब आर्यन और उसके माता पिता को मीनाक्षी की बुरी तरह कटी हुई लाश मिली तो उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा। आर्यन की माँ, मैंने बहू को रोकने की बहुत कोशिश की थी कि इस रास्ते से ना जाए, लेकिन वो नहीं मानी। जरूर किसी भूत प्रेत ने ही इसे मारा होगा। ये कहकर रमाकांत रोने लगा। इस हादसे को कुछ साल बीत गए। आर्यन ने अपनी क्लिनिक की नर्स शालिनी से शादी कर ली। उसके माता पिता ने भी शालिनी को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। फिर पूर्णिमा की एक रात जब पूनम का चांद अपने पूरे शबाब पर था, ठंडी हवाएं चल रही थी, आर्यन की बाइक उसके घर के पास आकर रुकी। आर्यन बाइक से उतरकर अंदर जाने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर उसके पिता रमाकांत ने उसे रोक लिया। रमाकांत बहुत घबराया हुआ था, उसका चेहरा पसीने से तरबतर था, माथे पर डर की शिकन थी। आर्यन ने अपने पिता को पहले कभी भी इतना डरा हुआ नहीं देखा था। रमाकांत की घबराहट देख आर्यन ने पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? रमाकांत ने अंदर की ओर इशारा करते हुए कहा, आर्यन वो बहू, उसे न जाने क्या हो गया है, तू चलकर देख। ये सुनकर आर्यन सहम गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, वो तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा। उसने अंदर जाकर देखा तो उसकी पत्नी शालिनी बेड पर लेटी हुई थी।
उसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे जिस पर से खून टपक कर बिस्तर पर गिर रहा था, लेकिन इतने दर्द के बावजूद भी वो टस से मस नहीं हो रही थी और लगातार ऊपर की ओर ही देखे जा रही थी। उससे थोड़ी ही दूरी पर आर्यन की माँ आशा खड़ी थी। आशा का डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन अपनी पत्नी को ऐसे रस्सियों में बंधा देख आर्यन का पारा चढ़ गया। वो अपनी माँ पर भड़क उठा। माँ, ये क्या पागलपन है? आपको दिख रहा है ना कि शालिनी को गहरी चोट लगी है? उसके चेहरे से कितना खून बह रहा है? ये सब देखते हुए भी आपने उसे यूं जानवरों की तरह रस्सियों से बांध रखा है? आखिर आपने ऐसा क्यों किया माँ? आर्यन अपनी माँ से सवाल पे सवाल किए जा रहा था, लेकिन उसकी माँ इतनी डरी हुई थी कि उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। देखिए, अब मैं सब समझ चुका हूँ। आप लोगों को शालिनी पसंद ही नहीं है, इसीलिए आपने उसके साथ ऐसी हरकत की। लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। मैं अभी उसकी रस्सियां खोल देता हूँ। ये कहकर आर्यन शालिनी की तरफ बढ़ा। तभी आशा बोल पड़ी, रुक जाओ बेटा, ऐसी गलती मत करना। उन रस्सियों को शालिनी के शरीर से अलग मत करना, वरना अनर्थ हो जाएगी। माँ, आप लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। आप बाहर जाइए, मुझे मेरी पत्नी के साथ अकेला छोड़ दीजिए। अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी आर्यन ने उसकी बात नहीं मानी और उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर आर्यन कमरे का दरवाजा बंद करके दबे पांव शालिनी की तरफ बढ़ा। शालिनी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मेरे माता पिता तुम्हें पसंद नहीं करते, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया। लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रस्सियां खोल देता हूँ। ये कहकर आर्यन ने शालिनी की रस्सियां खोल दी। रस्सियां खुलते ही शालिनी की भयानक हंसी की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। शालिनी अचानक बेड से उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा भयानक होने लगा, उसकी गर्दन लंबी होने लगी और उसकी पीठ से बड़े बड़े पंजों वाले दो भयानक हाथ निकलकर बाहर आ गए। अब शालिनी पूरी तरह एक भयानक चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसने अपने चारों हाथों से आर्यन के हाथों और पैरों को पकड़ लिया। तुम शालिनी नहीं हो सकती। कौन हो तुम? देखो, मुझे छोड़ दो मुझे। आर्यन चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तभी उस चुड़ैल ने एक शब्द कहा। सही कहा तूने, मैं शालिनी नहीं हूँ, मैं मीनाक्षी हूँ, मीनाक्षी। ये सुनते ही आर्यन के तो जैसे पैरों के तले से जमीन खिसक गई। आर्यन किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर बाहर की तरफ भागा। बाबूजी, मुझे बचा लीजिए। वो अंदर मीनाक्षी है, जो चुड़ैल बन चुकी है। वो मुझे मारना चाहती है बाबूजी, मुझे बचा लीजिए। ये सुनकर रमाकांत और आशा हक्के बक्के रह गए। इतने में चुड़ैल बाहर। रमाकांत और आशा भी उसे देखकर कांप उठे। आर्यन अपने माता पिता के पीछे छुप गया। हट जाइए बाबूजी, मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रुको मीनाक्षी, देखो हमें तुम्हारी मौत का बहुत अफसोस है, पर तुम आर्यन को क्यों मारना चाहती हो? आखिर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी मौत तो तुम्हारी ही गलती की वजह से हुई है। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि उस रास्ते से मत जाना, लेकिन फिर भी तुम गई और भूत प्रेतों के चंगुल में फंसकर मारी गई। मुझे भूत ने ही मारा है, लेकिन वो भूत और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है। इसने भूत का मुखौटा पहनकर मेरी हत्या की थी ताकि मुझसे पीछा छुड़ा सके और शालिनी से शादी कर सके। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर रमाकांत और आशा को बहुत बड़ा सदमा लगा। वो दोनों चुड़ैल के रास्ते से हट गए। फिर चुड़ैल ने अपने चारों हाथों से आर्यन के हाथों और पैरों को खींचकर उसे अलग कर दिया। और शालिनी के शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गई।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी बेल आइकन दबाएं, क्योंकि डरना जरूरी है।